हमीरपुर नगर परिषद में इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों में सीधी टक्कर ना होकर इस बार भाजपा के बागी उम्मीदवार खेल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। नगर परिषद हमीरपुर के 11 वार्डों में तकरीबन 9 वार्डों में भाजपा पार्टी के बागी उम्मीदवारों ने भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है, जिसके चलते न केवल हमीरपुर सदर के विधायक नरेंद्र ठाकुर के अलावा भाजपा के तमाम पदाधिकारी भी आत्ममंथन और चिंतन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इस बार हमीरपुर नगर परिषद में जीत के लिए समीकरण पूरी तरह से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। भाजपा पार्टी से बागी हुए उम्मीदवार अपने बलबूते पर सीटों पर लीड लेते हुए दिख रहे हैं, जिससे भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की नींद भी उड़ गई है। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद ओपन होने के चलते भाजपा समर्थित और बाकी उम्मीदवारों में पूरी जोर आजमाइश की जा रही है, क्योंकि अगर बाकी उम्मीदवारों में से ज्यादा पार्षद जीत के आते हैं तो संभावित है कि अध्यक्ष भी उन्हीं में से एक ही चुना जाएगा, जिससे भाजपा के पार्टी उम्मीदवारों की फजीहत भी होगी। वहीं हमीरपुर नगर परिषद में हॉट सीट माने जाने वाले वार्ड नंबर 4 में इस बार पूर्व में 2 बार अध्यक्ष रहे व 3 बार उपाध्यक्ष रहे दीप कुमार बजाज की प्रतिष्ठा का सवाल भी सवाल बना हुआ है। उनके मुकाबले में भाजपा के बागी उम्मीदवार संदीप भारद्वाज कड़ी टक्कर देते हुए वार्ड नंबर 4 में नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 8 जहां पर उम्मीदवारों की मानो बाढ़ ही आ गई थी, ऐसे में आजाद तौर पर लड़ रहे उम्मीदवारों का पलड़ा काफी भारी लग रहा है, जिसमें व्यापारी सुशील कुमार सोनी को वार्ड नंबर 8 में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 सुभाष नगर में भी इस बार भाजपा पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के अलावा बागी उम्मीदवारों ने भी काफी उथल पुथल मची हुई है, जिससे इस वार्ड में भी इस बार चुनावी समीकरण पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। वार्ड के लाठी गांव से भी 4 उम्मीदवारों के मैदान में होने से लोग असमंजस में हैं कि किसे चुने और किसे नहीं। बस वर्तमान में अभी अध्यक्ष सुलोचना देवी का भाग है, जहां पर अध्यक्ष की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि इस वार्ड में भी करीब 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिसमे इस वार्ड के लोगों का बाकी उम्मीदवारों को भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे वर्तमान में अध्यक्ष सुलोचना देवी की शिकन बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर पिछले 3 दशकों से हमीरपुर नगर परिषद पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का ही कब्जा रहा है, लेकिन इस बार बिगड़ते समीकरणों के चलते भाजपा को जहां बागी उम्मीदवार पूरी तरह से टक्कर दे रहे हैं, तो नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है।